आप सबको जय मसीह की प्रभु आप सबको आशीष दे। और आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा। जो मैडम का वीडियो आप लोगों ने शुरू में देखा, उस मैडम से मैं आज बातचीत करने वाला हूं और उनसे आपको मिलाने वाला हूं। और जो स्क्रीन पे आप ये पोस्टर देख रहे हैं, सारी गवाहियां जो है कि इस मैडम के कलिशिया के है। और ये मैडम जो है कि छत्तीसगढ़ के रहने वाली है और आज जो है कि बेगूसराय टाउनशिप में इनका चर्च है और प्रभु इनको बहुत ही अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर रहा है और बहुत सारे लोग आकर जो कि छुटकारा पा रहे हैं, बहुत सारे लोगों का जीवन बदल रहा है, बहुत सारे लोगों का जो है कि नशा छूट रहे हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस मैडम के जीवन में प्रभु बहुत आशीष दिया है, बहुत ही ब्लेस किया है प्रभु। और मैं चाहता हूं कि अगर आप बिहार के बेगूसराय जिले में हैं तो आप जरूर इनके पास जा सकते हैं और इनका नंबर जो स्क्रीन पे देख सकते हैं दिखाई दे रहा, आप कॉल करके प्रार्थना भी करवा सकते हैं। और इनका एक चैनल भी है वंदना खालको के नाम से, जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, जरूर वहां पे जाके विजिट कर सकते हैं। ये ऑनलाइन भी आती हैं और इनसे आप दुआ प्रार्थना जरूर करवा सकते हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि इनके कई कलिशिया में जो है कि विरोध भी हुआ, लेकिन प्रभु उस सारे बातों में जो है कि इनको संभाला, मदद और सहायता किया और इनके जीवन के द्वारा बहुत सारी आत्माएं भी जो है कि बचाया है और अभी भी बचा रहा है, आगे भी बचाएगा। तो आइए हम लोग इनसे बातचीत करेंगे और देखेंगे कि प्रभु कैसे इनको अपने सेवा के लिए चुना और कैसे इस्तेमाल कर रहा है और इनसे हम लोग बहुत कुछ सीखने वाले हैं। तो आइए इस वीडियो को पूरा देखिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, क्योंकि वीडियो बनाने बहुत ही मेहनत लगता है। तो आइए इस वीडियो को हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले हम उनका स्वागत करते हैं और आइए हम जानेंगे कि कैसे सेवा में आई और कैसे सेवा को कर रही है। तो सबसे पहले हम आपका स्वागत करते हैं, आप अपना नाम बताएं। सबको जय मसीह की। मेरा नाम पास्टर वंदना खालको है जी और मैं बिहार में रहकर सेवकाई कर रही हूँ। और तो आप जो है कि सेवकाई कितने साल से कर रही हैं जी? ये कहना चाहिए 10 साल हो गए जी। तो सेवकाई में आप कैसे आई, कैसे आपको प्रेरणा मिला कि मुझे सेवकाई करना चाहिए जी? परमेश्वर की बुलाहट मेरे जीवन में आई, क्योंकि मैं बाय बर्थ क्रिश्चियन फैमिली से बिलोंग करती हूँ और मसीहत में, क्रिश्चियनिटी में मेरा मतलब परवरिश हुई है। सो मैं प्रभु यीशु को पहले से ही जानती थी बचपन से। सो मैं अन्य जाति थी, फिर मुझे सिखाया गया, ऐसा मेरे नहीं हुआ, हम लोग पहले से जानते थे। सो लेकिन बुलाहट एक प्रभु की आई सेवकाई के लिए कि हम सेवकाई करें, वो भी अन्य जातियों के बीच में। ठीक है, तो अन्य जातियों के बीच में परमेश्वर मुझे लेकर गया, क्योंकि मैं संडे स्कूल मिनिस्ट्री में थी, एक बच्चों की मिनिस्ट्री में मैं थी, चर्च में कार्य करती थी। एक सेवकाई प्रभु ने 19 साल की उम्र में मुझे दे रखी थी। सो मैं बच्चों के बीच में सेवकाई करने के दौरान एक लड़का जो है, गांव का एक लड़का जो है, वो आया मेरे पास और उसने मुझे बोला कि मैडम बोलता था, क्योंकि मैं टीचर एज ए थी उसकी, तो बोला कि मेरे गाँव में चलिए प्रभु यीशु के वचनों को सुनाने के लिए। तो मैं अपने हस्बैंड से बात करके मैं गई उसके साथ और वो रास्ता दिखाता गया साइकिल में और हम गाड़ी से जो है उसके पीछे पीछे बाइक से जाते गए और वो एक गांव को अपने दिखाने लगा और वहाँ बहुत बड़ी भीड़ आ गई। और जब मैं खड़ी हुई तो लोग बोलने लगे, कैसे मतलब कौन है ये, कहाँ से आए हैं? सो मैंने प्रभु यीशु का प्रचार किया। पहली बार मेरा ये था कि मैं गांव में जाकर किसी स्थानों पर जाकर प्रभु यीशु के नामों का प्रचार कर रही हूँ, प्रभु यीशु मसीह के नामों का प्रचार किया। बड़े ध्यान से सब सुनने लगे, ऐसा लग रहा था मानो वो अपने दिल को देना चाह रहे हैं प्रभु को, वो सुनने के लिए रेडी थे और वो चाह रहे थे कि वो और सुनाए। उनकी भूख और प्यास जो है वो बढ़ रही थी और मैं जाने लगी, बार बार जाने लगी प्रभु के वचनों को सुनाने के लिए। सो एक टर्निंग पॉइंट उनके जीवन में आया कि उन्होंने अपना जीवन संपूर्ण रीति से प्रभु को सौंपने के लिए वो रेडी होने लगे। तो इस तरीके से मेरी हमारी मिनिस्ट्री जो है वो बदलने लगी। फिर उसके बाद परमेश्वर ने मुझे चंगाई के वरदान दिए। नहीं, ये जो आप जो कर रही हैं उससे पहले जो है कि आपका जीवन जो है कैसे, मतलब आपको लगा कि मुझे इन लोगों के पास जाना चाहिए, मतलब
इसके पीछे का जो बात हम जानना चाहते जी, इसके पीछे की जो बात है, जो मैं 19 साल की थी तो मेरे जीवन में बहुत बड़ा मेजर ऑपरेशन हुआ था। सो उस मेजर ऑपरेशन के द्वारा जो है वो मैं एक परमेश्वर ने मेरे जीवन को मोड़ा था सेवकाई के लिए। मेरे बच्चे होने असंभव से थे, मेरे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में प्रॉब्लम थी और वो एक अंग निकाल दिया गया था। सो मैं उस समय मेरे मुँह से अपने आप निकल रहा था, मानो परमेश्वर मेरे मुँह से बुला रहा था कि मेरे को प्रभु की सेवकाई करनी है। सो इस तरीके से मैं प्रभु की सेवकाई में आई और जिस प्रकार से मेरे बच्चे नहीं होने वाले थे, तीन तीन डॉक्टर जो है वो बोल चुके थे कि तुम्हारा ये जो प्रॉब्लम में तुम हो, सिस्टिक प्रॉब्लम, ओवेरियन सिस्ट की जो प्रॉब्लम है उसमें हो, और एक ओवरी भी रिमूव कर दी गई है, निकाल दी गई, तो तुम्हारा तो बच्चा नहीं होने वाला है। ऐसा करके तीन डॉक्टर मेरा फाइल को देख कर, वो रिपोर्ट को देख कर बोला करते थे, लेकिन फिर भी परमेश्वर की प्रार्थना के द्वारा, अनुग्रह के द्वारा और सेवकाई में बने रहने के द्वारा प्रभु ने मेरे जीवन में मिरेकल किया, चमत्कार किया कि दो दो बच्चों की आशीषें मेरे जीवन में परमेश्वर ने दी। एक बहुत बड़ा निश्चय मैं कह सकती हूँ, बहुत बड़ा एक मिरेकल है, चमत्कार है, जो डॉक्टर, जो संसारिक डॉक्टर वो बोल रहे कि तुम्हारा बच्चा नहीं हो सकता, लेकिन परमेश्वर के लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं है। मैं विश्वास के साथ कह सकती हूँ क्योंकि मैं गवाह हूँ कि मेरे दो दो बच्चे मुझे मिले ऐसी हालत में, ऐसी मरी हुई दशा में रहकर। हालेलुया, तो इसी के चलते जो है कि आप जो है कि जी मैं सेवकाई में आ गई और मैंने बच्चों के बीच सबसे पहले सेवकाई शुरू की। फिर उसके बाद परमेश्वर ने मुझे मेरी सेवकाई को बढ़ाता गया अन्य जातियों के बीच में, गांव गांव जहाँ जाकर आज मैं बहुत सारे गांवों को विजिट में करती हूँ और कई जगह से बुलाहट भी मुझे होती है। तो जब आप जाती हैं गाँव में तो क्या विरोध नहीं होता? नहीं, विरोध तो होता है, होता है, और एक गांव में हमारी मनाही हो गई है। आपने ये प्रश्न पूछा, सो मैं कहना चाहती हूँ कि हम जब गांव में जाते थे, जब हमारी मिनिस्ट्री स्टार्ट हुई तो लोगों ने हमें मना कर दिया कि इस गांव में आने की ज़रूरत नहीं। हमने बोला लोगों को चंगाई की ज़रूरत है, हमारी प्रार्थना के द्वारा लोग चंगे होते हैं, तो बोले कि उनके लिए डॉक्टर है, आप नहीं हैं, उन्हें जाना होगा, वो चर्च निर्धारित है, वो जा सकते हैं कोई स्थानों में, लेकिन आपको यहाँ आना नहीं है। तो लोग क्या बोल रहे थे उसके अलावा और क्या बोल? जी वो लोग बोल नहीं, पहली बार तो उन्होंने मना कर दिया कि आज के बाद नहीं आएंगी, नहीं तो ठीक नहीं होगा जी। तो फिर उसके बाद हमने बातचीत की उस गांव के लोगों से, तो उन्होंने भी, वो भी डरते हैं, उन्होंने बोला मैडम सर करके उन्होंने बोला, पास्टर जी आप मत आइए अभी फिलहाल, हम आएंगे आपके पास, उन्होंने खुल के बोला कि हम आएंगे आपके पास। तो कहीं ना कहीं वो लोग अपने समाज से डरते थे, डरते थे जी, समाज के जो जी हाँ, वो असल में जो हमको थ्रेटनिंग दे रहा था वो गुंडे जैसा था, सो उन लोग भी नहीं चाह रहे थे कि हमको किसी प्रकार का नुकसान हो, तो थ्रेटनिंग हमको मिली है। फिर एक बार और हुआ, हमने हिम्मत करके एक बार और गए उस गांव में कि एक बार प्रभु अनुग्रह करे, क्योंकि हम प्रार्थना में निरंतर लगे रहे कि अपोज हो रहा है। और तो उन लोग को प्रॉब्लम क्या हो रहा था आपके जाने से, उन लोग क्या प्रॉब्लम? नहीं, वो लोग वही सोचा करते हैं कि ये लोगों को मसीह में ये लोग मजबूत करेंगे, मसीह के वचनों को सुनाएंगे, सो लोग नहीं चाहते ऐसा कि मसीह का राज्य फैले और मसीह के वचनों को कोई अन्य जातियाँ सुने, ऐसा उनके अंदर ऐसी भावनाएं हैं। सो उन्होंने हमारे बाइंड किया उस गांव में जाने के लिए। सो फिर इसके बाद सेकंड बार हमने गया तो भी उन्होंने पूरा खड़े होकर पूरा पोस्ट किया, खड़े होकर कि नहीं आप आ नहीं सकते, लेकिन फिर भी हम उस दिन जैसे भी करके गए। कई बार कई कई वर्ड बोलते हैं वो लोग, सो हम लोग ज़्यादा बहुत सारे एग्जाम लगाते हैं जी। तो बहुत सारे लोग जो है जो कि आए तो उनका जीवन भी बदला जैसे जी, बहुत सारी बदलाव की बातें हुई कि दुष्ट आत्मा ग्रस्त थे वो लोग, इतनी भूत प्रेत की आत्माएं थी उनके अंदर, बीमार रहा करते थे, भूत प्रेत दिखाई देते थे, लेकिन हमारी प्रार्थना के द्वारा वो आज़ाद हो गए बिल्कुल पूरा। मेरे साथ होता था कि वो गिर जाते थे और निकलती थी उसमें से दुष्ट आत्माएं, हम एकदम देखते थे और बोला करती थी, बातचीत किया करती थी वो दुष्ट आत्माएं कि हम नहीं निकलेंगी, हम नहीं जाएंगी इसके साथ, हमने इतने साल से हैं ऐसे ऐसे करके, लेकिन हम डांट कर यीशु मसीह के नाम से डांट कर हम भगाते थे और वो छुटकारा को प्राप्त करती थी। कई ऐसे नशे में रहने वाले लोग अपने अपना जीवन प्रभु को दिया है ना, और कई ऐसी जो है जो बच्चा नहीं होता था, जैसे मैंने बोला मेरे को परमेश्वर ने अनुग्रह किया कि दो दो बच्चों की आशीष दिया, तो कई नी संतान स्त्रियां जो है जिसके साथ साथ 10-10 साल से बच्चे नहीं थे, वो लोग बच्चे का आशीष को प्राप्त किए, बहुत बड़ा मिरेकल होते गया ऐसा मैं देखती हूँ। सो बीमारी से आज़ाद हुए, दुष्ट आत्मा से ग्रस्त हुए, नी संतान जो है वो संतान के आशीषों को प्राप्त किए, तो ऐसा ऐसा मिरेकल जो है वो देखा। तो आज आप जो कुछ भी सेवकाई कर रहे हैं इसलिए कर रहे हैं जैसे आपका जीवन बचा वैसे लोगों का जी जी लोगों का जीवन बचे। तो बहुत सारे लोग आज भी जो है बहुत सारी समस्याओं में पड़े हुए हैं, उन सब के लिए जो है कि आप क्या कहेंगे, दो शब्द बताएं, और कैसे वो लोग जो है कि आपको आपसे कांटेक्ट करें उसके बारे में बताएं।
नहीं वो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हम सबके लिए, जी जी हम एक प्रार्थना योद्धा है और हम लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। मेरे अंदर जो भावनाएं हैं वो है कि लोगों के आंसू पूछे, लोग आज दर्द में है, पीड़ा में है, निराशा में है, डिप्रेशन में है, बीमारी में है, मृत्यु की ओर अग्रसर हो रहे हैं। यदि यीशु मसीह को जाने बगैर यदि चले गए इस दुनिया से तो उनका क्या होगा। क्योंकि जैसे मदर टेरेसा भी जो है कि अपने जीवन में काफी सेवकाई की और वैसे मतलब आपका जो है कि जी जी मैं सोशल वर्क भी करती हूँ, ये भी बात है, सोशल वर्क भी हम करते हैं, लेकिन सोशल वर्क है हमारा कि हम लोग गरीबों के बीच जो है वो जाकर प्रभु की सेवकाई को कर सके, और हमारा कई प्रकार का प्रोजेक्ट भी चलता है। सो हम लोग इस सेवकाई भी करते हैं अनेक गांव में, वो हमारी मिनिस्ट्री से या चर्च से जुड़ा हुआ नहीं है। देखिए हम आपको स्पष्ट कहना चाहते हैं, हमारी सोशल वर्क अनेक जगहों में गरीब लोगों के बीच में है जो हमसे किसी प्रकार का कॉन्टेक्ट नहीं, लेकिन हम यदि जान रहे कि उनको जरूरत है तो हम उनको जरूरत पहुँचा देते हैं, ऐसा वाला है, और हम उसमें शामिल कर लेते हैं अपने पास की, बार बार जाते हैं। जी वो काम एकदम मैंने अलग रखा है, और ये मिनिस्ट्री का कार्य एकदम अलग है, मसीहत एकदम अलग है। जो विश्वास करेगा वो आए, जिसके अंदर विश्वास है और जिसके अंदर प्रभु ने कार्य किया वही चाहिए, ज्यादा भीड़ चाहिए नहीं। जो मतलब जो विश्वास ना करे वो नहीं चाहिए, जो जिस जो जीवन बचाना चाहता अपना वो आए। सबसे ज्यादा परमेश्वर ने एक दर्शन दिया था, नरक की ओर लोग जा रहे हैं उसमें बचाना है। और मेरा एक रोज हमेशा की प्रार्थना रहती, प्रभु उद्धार हो, लोग आपके राज्य को जाने, लोगों की आत्माएं बचे। ये मेरी प्रार्थना, मेरे हस्बैंड को और मेरी प्रार्थना, मेरे परिवार की प्रार्थना यही हुआ करती है। तो हम आत्मा बचाने का कार्य करते हैं, हम किसी का धर्म परिवर्तन नहीं करते हैं। सो आत्मा बचे यही चाहते हैं आप, अपने जगह में रहकर भी प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर सकते हैं, और आत्मा को आप बचाने का कार्य जो है वो करना है। सो ये भी है कि मेरा सोशल वर्क भी हमारा चलता है। सो वो मैंने, तो आप जो है कि कौन सा चैनल है आपका, आप जी? मेरा जी वंदना खलको अपने नाम पर ही मैंने रखा है, चैनल बनाया है यूट्यूब में वंदना खलको के नाम से, आप जरूर सर्च कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए उसे, और मैं विश्वास करती हूँ उसमें बहुत सारे मैसेज आपको मिलेंगे, और बहुत प्रार्थनाएं हैं जो छुटकारे की भी, चंगाई की भी है, रात की प्रार्थनाएं हैं जो लोगों को जीवन बदलती है, ऐसे जीवन बदल देने वाली प्रार्थनाएं भी हैं। सो आप उसको सर्च करके देख के उसमें आशीषों को ले सकते हैं, और फेसबुक में भी मेरा जी जी उसी नाम से वंदना खलको और राइजिंग शाइन मिनिस्ट्री। तो आप लोगों ने देखा किस प्रकार से जो है कि इनका सेवकाई है, और वंदना खालको के नाम से जो है कि यूट्यूब पे भी मिलेगा आपको, इंस्टाग्राम पे भी मिलेगा और फेसबुक पे भी मिलेगा, आप लोग वहाँ पे भी जाकर जो कि सर्च करें और देखें वहाँ पे किस प्रकार से जो कि इन लोग का सेवकाई है, और उसके ऊपर जब आप रिसर्च करेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि इनकी सेवकाई किस प्रकार से हो रही है, और इनके जीवन बहुत बड़ा काम प्रभु किया जो कि काफ़ी लोग जो कि सोच नहीं सकते, लेकिन जैसे इनका जीवन बचा वैसे सोचिए कि दूसरे का भी जीवन बचे, और इसीलिए जो है कि जाके गांव-गांव में लोगों को जो है कि जाकर बताने का प्रयास करते हैं, उन लोगों के लिए प्रार्थना करने का प्रयास करती है। क्योंकि आप लोग देखे होंगे कि मदर टेरेसा भी जो है कि अपने जीवन के सारे समय को जो है कि लोग के सेवा में लगा दी, और उनको जो है कि लोग किस प्रकार से बोलते हैं कि धर्म परिवर्तन का भी काम कराया जाता है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, बहुत सारे लोग जो है कि बोलते हैं कि ईसाई धर्म है ही नहीं, तो फिर धर्म परिवर्तन कराएंगे कैसे? तो इस बात को सोचना है, और आप लोग जो है कि इस वीडियो को क्या सोच रहे हैं, आप लोग ज़रूर अपना राय कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, और फिर हम लोग मिलते हैं एक नए वीडियो में। तब तक आप सबको जय मसीह की। प्रभु की इस सेवकाई के लिए अपना बीज गूगल पे, फोन पे अकाउंट के द्वारा ज़रूर बोएं, और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद।